चलिए दोस्तों, कैसे आप लोग? दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ग्रेटेड ओल्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे प्रदीप सर की जो पूरी टीम है वो लगातार दिन रात मेहनत करी ताकि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप पर रह सके। दोस्तों तो दोस्तों उसी के तहत आप सभी जानते हैं कि हमारे अप्रिसिएशन की सीरीज जो शुरू हो चुकी है और आज हम लेकर आ चुके हैं आपका दूसरा अप्रिसिएशन। तो मेरे ख्याल से आप पूरा तैयार होंगे, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पोयम क्या है। ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंज। अब पोयम में टाइटल लिखना रहते हैं तो टाइटल याद नहीं रहता है, पूरा पोयम ये रहते हैं, बड़े बड़े पोयम याद करे तो करे कैसे दोस्तों, तो टेंशन लेना नहीं है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको अप्रिसिएशन किया एक पोयम है वो कौन सा पोयम है, इस पोयम का टाइटल क्या है, तो बस इतनी चीजें याद रखना। ऑल द वर्ल्ड स्टेज वाला पोयम कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आपके अपने झगड़ा दिखा, कॉरल दिखा, जस्टिस दिखा या सोल्जर दिखा। क्या? कॉरल जस्टिस सोल्जर। झगड़ा हुआ, सही बात है कि नहीं बात है, झगड़ा हुआ, जस्टिस हुआ और क्या हुआ, सोल्जर आए हमारे, तो समझ जानेगा। तो कौन सा पोयम है? ऑल द वर्ल्ड स्टेज वाला पोयम है। कौन सा? ऑल द वर्ल्ड स्टेज वाला। अभी ऑल द वर्ल्ड स्टेज वाला पोयम किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने। किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपकी, तो ए भाई थोड़ा सा जूम हो जा, जूम आ, ये देखो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे कोई राइमिंग वर्ड नहीं है। राइमिंग वर्ड है क्या? नहीं है। तो आप ये एक स्टेटमेंट लिख सकते, देयर इज नो राइमिंग वर्ड यूज इन दी पोयम बाय दी पोएट। समझ में आ गया? अब राइमिंग वर्ड नहीं है तो राइम स्कीम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कि ना? राइमिंग स्कीम नहीं बनेगा। तो आप क्या लिख सकते हो? देयर इज नो, द राइमिंग स्कीम इज इन अ फ्री वर्ड स्टाइल, या फिर द पोएटिक स्टाइल, द पोएटिक हैज यूज द फ्री वर्ड स्टाइल। अब फ्री वर्ड्स क्या होता है वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों आपका मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, रिपीटेशन। देखो मैंने बोला था एलिट्रेशन या फिर रिपीटेशन भी लिख सकते हो। अब यहां पे थीम क्या आएगा वही बात होता है, लाइफ ऑफ साइकिल, द साइकिल ऑफ लाइफ। थीम मैंने लिखना भूल गया तो यहां पर मैं लिख देता हूं द साइकिल ऑफ लाइफ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यानी अब थीम क्या है? द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम इज दैट द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट दी साइकिल ऑफ दी लाइफ, यानी जिंदगी के बारे में बता रहा है। दोस्तों समझ में आ गया? तो सबसे पहली चीज क्या देखो, टाइटल में अगर पोयम में आया झगड़ा यानी कॉरल यानी जस्टिस आया या फिर सोल्जर आया, तो समझ जाने का ऑल द वर्ल्ड स्टेज वाला पोयम है। अब ये पोयम, ये जो लड़ाई था, झगड़ा था, सोल्जर था, ये कब हुआ था, किसके वजह से हुआ? विलियम शेक्सपियर। तो पोएट कौन थे आपके? विलियम शेक्सपियर थे। राइमिंग वर्ड यूज किए क्या? राइमिंग वर्ड यूज नहीं किए, तो एक फायदा उठाओ, सेंटेंस बना दो, अप्रिसिएशन मिल गए। तो अब राइमिंग स्कीम क्या है? राइम स्कीम, इट इज अ फ्री वर्ड स्टाइल विच इज यूज बाय दी आपका पोएट। फिर उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगर ऑफ स्पीच नहीं याद है, क्या लिखोगे? एलिटरेशन और रिपीटेशन लिख दोगे, या फिर याद है तो याद देख लो क्या है, रिपीटेशन और मेटाफोर भी है, सिमिली भी है। समझा गया? फिर उसके बाद थीम क्या है? द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम इज दैट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम इज अबाउट द साइकिल ऑफ द लाइफ, इज ऑल अबाउट द लाइफ। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से अप्रिसिएशन आपको किस तरह से याद करना वो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब इसको लिखना कैसे है? देखो मतलब द पोयम ऑल द वर्ल्ड स्टेज इज रिटन बाय द विलियम शेक्सपियर। अब यहां पे थोड़ा सा आपको अगर शेक्सपियर के बारे में तो एक या दो लाइन आप लोग याद कर लो, फिर उसके बाद आप उसको क्या नोट डाउन कर लेना। समझ में आ गया? फिर उसके बाद देयर इज नो राइमिंग वर्ड यूज्ड इन द पोयम, फिर देयरफॉर द राइमिंग स्कीम इज इन अ फ्री वर्ड स्टाइल, द पोएट हैज यूज्ड अ फिगर ऑफ स्पीच सच एज मेटाफोर, सिमिली, एलिटरेशन, रिपीटेशन, एंड द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम इज अबाउट द साइकिल ऑफ द लाइफ। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट चाहिए, इंपॉर्टेंट टिप्स चाहिए, गारंटीड क्वेश्चन चाहिए, तो यार दोस्तों प्रदीप सर का अगर आपने अभी तक अपडेट वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप अपनी पढ़ाई किस तरह से कर रहे हैं हमारे साथ, आप हमें टैग कर सकते हैं हमारे प्रदीप सर की इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, फॉलो नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाओ फॉलो कर दो, वहां पे भी बहुत सारी चीजें आ रही है दोस्तों। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।